4:30 में बेटा मैं उठती हूँ, बहुत समय लगता है, पूरा हाइजेनिक वर्क मुझे करना पड़ता है। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए मुझे इतना कस्टमर्स मिला, इतने अच्छे बच्चे मिले कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। राइस जो यूज करते हैं ना, वो काफी क्वालिटी वाला राइस यूज करते हैं, जैसे अंकल जी ने वीडियो में बताया कि भाई क्वालिटी राइस यूज करते हैं। लेकिन आप बच्चे मेरा साथ सब साथ दोगे तो यहाँ पर भी मैं जैसे मैं रोनीपत में बढ़ी हूँ, ऐसे ही मैं पश्चिम बिहार में बढ़ूंगी। बेटा आपके लिए क्वालिटी फूड लेकर आते रहते हैं, स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट तक, अनलिमिटेड से लेकर अल्टीमेट तक, सारे फूड आपके लिए हम रेडी रखते हैं भाई। और काफी गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर, ये देखिए मेरी सोया चाप भी है इसमें। नमस्कार फूडीज, एक बार फिर से स्वागत है आपका यमी फूड इंडिया पर। और सामने आप देख रहे हैं श्री साई वेज बिरयानी एंड रसोई। भाई नीचे टैगलाइन देख लो, बिरयानी वाली आंटी, भाई रोहिणी कोट वाले, आपने पहचान लिया होगा आंटी को, बहुत ही ज्यादा फेमस है आंटी रोहिणी में। और ये दूसरा आउटलेट इन्होंने स्टार्ट किया है ज्वेलरी में, पश्चिम विहार एरिया पड़ता है। आइए आंटी से बात करते हैं और पूछते हैं भाई ये दूसरा आउटलेट कब स्टार्ट किया, आइए चलते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार। नमस्कार बेटा, कैसे हो आप? आप कैसे हैं, आप बताइए। ओह वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बात तो आपको कांग्रेचुलेशन कहूंगा। थैंक यू सो मच। दूसरा आउटलेट आपका ज्वेलरी में स्टार्ट हुआ है। थैंक यू। और हमें जैसे ही पता लगा तो हम तो बस बिना पूछे आपसे पहुंच गए, क्योंकि हम बिना पूछे लोगों के जाते नहीं है, पर हमने कहा आंटी तो हमारी है, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया। आप बच्चे मेरे बहुत प्यारे हो, जितना साथ आपने मेरे आप सब बच्चों ने दिया उतना ही प्यार मैंने आपको भी दिया। मैंने आप लोगों को कभी मना नहीं किया कि ना आइए ना आइए, क्योंकि देखिए ये आपका भी काम है और मेरा भी काम है। बिल्कुल, इससे आपको भी वर्क मिलता है, मुझे भी वर्क मिलता है बेटा। तो आंटी ये ज्वेलरी में आपने स्टार्ट किया, कैसे सोचा इसके बारे में बताइए थोड़ा, और रोहिणी का रिस्पांस आपको कैसा लगा? हाँ, उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है। हाँ, रोहिणी के बाद इसका बताइए जरा। बहुत अच्छा आपने बेटा मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया। दरअसल बात ये थी कि वहाँ मेरा बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, 2.5-3 साल हो गए मुझे वहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप बच्चों की वजह से भी और मेरी बिरयानी की वजह से भी, क्योंकि अब मेरा वहाँ पर कस्टमर रिपीट टू रिपीट हो रहा है। और जितने भी वहाँ के वकील वगैरह, जितने भी पुलिस वाले, उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। आज की तारीख में जितने भी मेरे पास कस्टमर आते हैं सब कहते हैं वाह आंटी बिरयानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट टू रिपीट मेरा कस्टमर हो रहा है। और अभी आपने एक और क्वेश्चन पुटअप किया था कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट करना क्यों किया, क्यों किया और क्यों सोचा, कैसे मन में आया आपके? हाँ, उसका कैसे मन में आया कि एक ये था कि रोनीकोट तो मेरा लगेगा लगेगा, और एक मेरे ये पश्चिम विहार का जो मेरा बना प्रोग्राम है, मेरा घर भी पास है और मेरी बेटी भी छोटी है, और एक सर पे छत भी होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पे स्टार्ट करने का सोचा, और अभी मेरी ये रेंट पे है, लेकिन आप बच्चों मेरा साथ सब साथ दोगे तो बिल्कुल, मैं आगे यहाँ पर भी मैं जैसे मैं रोनीकोट में बढ़ी हूँ ऐसे ही मैं पश्चिम विहार में बढ़ूंगी बेटा। भाई बिल्कुल आंटी, आपने जो लोकेशन चूज की है ना, ये प्राइम लोकेशन है बिल्कुल। मैं आपको दिखा दूं एक बार जरा, सामने बिल्कुल देखो आप, ज्वेलरी मार्केट है सामने, कुमार स्वीट्स है, ये ज्वेलरी मार्केट पड़ती है पूरी, बहुत ही ज्यादा फेमस है पश्चिम विहार के अंदर, और ये चौक है ज्वेलरी का, और यहाँ से आप बिल्कुल कॉर्नर पे ही आंटी जी की, ये आंटी जी यहीं मिल जाएंगी आपको। थैंक यू। आंटी जी जितने प्यार से बनाती है ना उतने प्यार से खिलाती भी है। हम तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं रोहिणी के अंदर ही 5 साल मैंने नौकरी की है, जॉब की है, और डीडीए के बिल्कुल बाहर लगाती है मैम। बिल्कुल मजा आ जाता है आंटी जी की बिरयानी खा के। गेट नंबर 7 जो रोहिणी कोट का है ना, बिल्कुल वहीं पे आपको अंडरपास के वही बिल्कुल बाहर ही मिल जाएंगे आंटी। लोकेशन वहाँ की भी डालेंगे, यहाँ के भी डालेंगे, बिल्कुल दोनों की लोकेशन डालेगी। और एक मैंने यहाँ पे एक और चीज मैंने नई स्टार्ट की है, मेरी पहले वेज बिरयानी भी चलती थी, सोया चाप भी चलती थी, अब मेरी पनीर बिरयानी भी यहाँ चलती है। अच्छा, मतलब दोनों अलग अलग होती है, अलग अलग आइटम है। तो आप देख सकते हैं एक मतलब एक आउटलेट स्टार्ट किया तो उसके साथ एक वैरायटी भी स्टार्ट कर दी आपने। ये हमारे अंकल जी हैं, बहुत ही खुश मिजाज है, और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि अंकल जी की एज मतलब 50 से पार, 50 के तो हो गए आप, बिल्कुल मेरे को अपनी एज के लगते हैं ये अंकल। और आप अंकल जी कमिंग शॉर्टली जोमेटो एंड स्विगी। अच्छा, दोनों पे आ रहे हैं आप? हां दोनों पे हम यहां पर आ रहे हैं। तो आप जितने भी पश्चिम, मैं खुद बताऊं आंटी, मैं पश्चिम विहार में रहता हूं, ठीक है, बिल्कुल ज्वेलरी के 1 किलोमीटर दूर पे। तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी मेरे जानने वाले हैं, थैंक यू, सबको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर आंटी जी आ गई हैं, और thank you so इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब बिरयानी इनकी खाइए और मजा आएगा बिल्कुल। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो मेरे पीछे 2.5-3 साल निकले बहुत मुश्किल वाले निकले, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को खुद बताइए, खुद बताइए। बारिश बरसात मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए मुझे इतना कस्टमर्स मिला, इतने अच्छे बच्चे मिले कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वही मैं बात दोबारा रिपीट करूंगी, आपने पश्चिम विहार में ज्वेलरी मार्केट के बिल्कुल सामने, यहाँ पे भी आप सब बच्चों ने मेरा साथ देना है। एक बात और, मेरी जो बेटी है बहुत छोटी है अभी, अभी वो 12-13 साल की है, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने,
जितना भी वर्क होता था बाहर का अभी भी करते हैं, बाहर का घर का सामान में सारा वर्क मैं करती हूं। इनके बिना तो आप अधूरे हो। बिल्कुल अधूरी हूं। आप कर ही नहीं पाओगे अकेले। आप देख लो हम इनके बिना अधूरे हैं। ये है हमारे साईं जी, इनके बिना दोनों अधूरे हैं। हाँ, और एक बात और, रहमत उसकी मेहनत मेरी, यही बात मेरी आगे यही चली मेरी साथ कि रहमत उसने करी और मेहनत मैंने करी और यही वर्क मैंने आगे भी करना है बेटा। बिल्कुल 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 मेरे बच्चे। टेस्ट बस आप मेंटेन रखना, लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रखना। क्वालिटी क्वांटिटी नो कम्प्रोमाइज। क्योंकि देख रहे हैं कि महंगाई भी काफी बढ़ रही है, तो महंगाई 5-10 रुपए तो बढ़ते ही रहेंगे, पर क्वालिटी रहनी चाहिए वही। हमारे व्यूअर्स यही कहते हैं कि क्वालिटी चाहिए हमें, क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी क्वांटिटी नो कम्प्रोमाइज। हम गोल्डन सेला, गैलेक्सी का गोल्डन सेला 11-21 लगाते हैं। अच्छा, वही चावल यूज कर रहे हैं पहले करते थे। और मसाले सारे घर के मसाले हर 6 महीने बाद फसाई की हम चेकिंग करवाते हैं, खुद बुला के उनको। अच्छा, चेक करो फसाई की ना। ठीक है ठीक, वो भी बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आंटी जितना भी ये सारा है खुद प्रिपेयर करती है। सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं आंटी? 4:30 बेटा मैं उठती हूँ। बहुत समय लगता है, पूरा हाइजेनिक वर्क मुझे करना पड़ता है। मैं घर पे ही पूरा अपना हाइजेनिक वर्क करती हूँ और यहाँ पर भी आके मैं पूरा अपना हाइजेनिक, क्योंकि मेरी वजह से किसी बच्चे को किसी कस्टमर को परेशानी नहीं हो। क्योंकि हमारे देश में जो ऐसा माहौल आया अभी कोरोना का, तो मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा, जो सामने आपने टैगलाइन लगा रखी है वो भी दिखाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल भाई साहब, ये देखिए आंटी ने पूरा यहाँ पर चार्ट लगा रखा है, कोरोना वायरस का लगा रखा है। अब यहाँ देखिए बिरयानी वाली आंटी का लोगो है, कब और कैसे मास्क का उपयोग करें भाई लोगों को। आंटी ये भी बता रही है कि कैसे आपको ध्यान रखना हर चीज का, ये देख सकते हैं आप। और पूरा हाइजीनिक का ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ कोरोना वायरस के चलते पूरी हाइजीनिक मेंटेन की जाती है भाई, पूरा ढंग से बिल्कुल साफ सुथरा आउटलेट है आंटी का। वो तो आपको जब आएंगे तो पता लग ही जाएगा। आप आंटी से लगवाते हैं बिरयानी। आंटी जी बिरयानी लगाइए। कौन सी खाओगे बेटा, पनीर बिरयानी, सोया चाप बिरयानी या ओनली बिरयानी, चंक्स बिरयानी? आप ना ऐसा करिए दोनों हाफ लगवा दीजिए, एक सोया चाप बिरयानी और एक हाफ और एक पनीर बिरयानी हाफ लगा दीजिए। क्योंकि मैं दोनों लगाती हूं, पनीर वाली तो टेस्ट करनी बनती है, पहली बार आए हैं, पहली बार है तो टेस्ट करेंगे और व्यूअर्स को बताएंगे। साथ में आंटी का स्पेशल रायता। हां, रायता भी लगवाइए आप। बिल्कुल मैं लगाती हूं बेटा, बिल्कुल लगाती हूं। ये देखिए मेरी सोया चाप भी है इसमें, ठीक है बेटा, और मेरी ये चंक्स बिरयानी है, पनीर बिरयानी और मेरी सोया चाप बिरयानी बेटा। टेस्ट मेरा वही बरकरार रहेगा जो मेरा रोनी कोट पे था, वही टेस्ट मेरा यहाँ पर भी रहेगा बेटा। और सोया चाप की चाट भी बनती है मेरे पास। अच्छा। हाँ मेरा बेटा, पूरा नीट एंड क्लीन वर्क करना हम लोगों को। कैसा खाओगे बेटा आप, स्पाइसी नॉर्मल? थोड़ा स्पाइसी, ज़्यादा हल्का हल्का स्पाइसी। इसमें हम टेस्ट के लिए हल्का सा चाट मसाला भी डालेंगे। ये मेरी सोया चाप बिरयानी है। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, क्वालिटी क्वांटिटी में आंटी का नो कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा हमेशा। इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला टेस्ट के लिए। ये चाट मसाला भी मैं अपने घर पे अपने आप ही बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में मुझे। सारा खुद ही प्रिपेयर करते हैं ना? बिल्कुल मेरा बेटा। आपका मीडियम बना दूं आपका? हाँ मीडियम। ये मेरी हरे पुदीने की चटनी, धनिया वगैरह ये सब है इसमें। ये आपका हल्का सा मैंने स्पाइसी कर दी है, टमाटर की चटनी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये आपको मैं इसके ऑनियन, इस सिरके वाले प्याज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आपकी सोया चाप बिरयानी तैयार। ये आपकी बेटा पनीर बिरयानी है। हाँ सब भी आ रहा। ये मेरा तड़के वाला रायता बेटा। बाकी आप सब बच्चों ने एक बार फिर मेरा साथ देना है, खड़े होके मेरे साथ। ज्वेलरी मार्केट है सामने, और यहाँ पर पीछे बैक साइड में आप देख रहे हैं आंटी जी खड़े हैं, और बिरयानी वाली आंटी रोहिणी वाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इनका एक आउटलेट और स्टार्ट हुआ है
क्वालिटी में। और आज जो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया, हमने आपको बताया रखा भाई, इनका टेस्ट तो वैसे ही लाजवाब होता है, बिल्कुल हैंडमेड घर पे बनाते हैं और स्वादिष्ट बनाते हैं, और हाइजीनिक का तो आंटी सबसे पहले ध्यान रखती हैं। और इन्हें वो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या ऑर्डर किया है हमने। ये है वेज बिरयानी, इसमें जो हमारी पुराना जो चलता है इनका, इसमें वेज बिरयानी होती है और इसके ऊपर जो चाप के पीसेज डालते हैं ये, तो इसकी कॉस्ट हाफ की 55 रुपीज़ पड़ती है। नॉर्मल आप वेज बिरयानी लेंगे बिना चाप के तो 40 रुपीज़ की पड़ेगी। और भाई ये है इनका पनीर बिरयानी, जो कि अभी इन्होंने यहाँ आउटलेट स्टार्ट किया, तो न्यू स्टार्ट किया है। इसमें पनीर के पीसेस होते हैं, बिरयानी होती है, वेज बिरयानी होती है, पनीर वेज बिरयानी होती है ये। और इसकी जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है हाफ की, फुल की 130 है और इसकी फुल की है 110। और रायता है भाई, ये 10 रुपीज़ का रायता, आप ग्लास देख सकते हैं, 10 रुपीज़ का रायता। और एक स्पेशल रायता भी मिलता है 20 रुपीज़ का, आंटी स्पेशल रायता। टेस्ट करके बताएंगे भाई, टेस्ट तो करके क्या बताना आपको, टेस्ट बताइए आंटी का, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं आंटी। एक बार फिर भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। चाप के पीसेस के साथ लेंगे, थोड़ा स्पाइसी करवाया था क्योंकि आज मुंह तो बड़ा फीका फीका हो रहा था, तो आंटी तो बड़ा स्पाइसी बहुत बढ़िया बनाते हैं। राइस जो यूज़ करते हैं ना, वो काफ़ी क्वालिटी वाला राइस यूज़ करते हैं, जैसे अंकल जी ने वीडियो में बताया कि क्वालिटी राइस यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है गाइस। दूसरा आउटलेट स्टार्ट हुआ है ज्वेलरी में, लोकेशन डाल देंगे, कभी भी यहाँ आना हो तो आंटी जी के पास जरूर आइए। नेचर अंकल आंटी दोनों का बहुत अच्छा है, आपको बहुत प्यार से खिलाएंगे, अच्छा टेस्ट है काफ़ी, आइए और ट्राई कीजिए। आप लेते हैं पनीर बिरयानी, पनीर के पीसेस डाल रखे हैं इसमें छोटे छोटे काट के, और वेज बिरयानी है, टेस्ट करते हैं भाई। पनीर हल्के से इन्होंने करारे कर रखे हैं, कुरकुरे कर रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। और जो इसमें ऊपर से इन्होंने सिरके वाली प्याज डाल रखी है ना भाई, उसका टेस्ट बड़ा लाजवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है भाई, अमेजिंग भाई अमेजिंग। रायता जरूर लेंगे भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भाई कर देना, वीडियो देखना और आपको मजा आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए, क्वालिटी फूड लेकर आते रहते हैं, स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट तक, अनलिमिटेड से लेकर अल्टीमेट तक, सारे फूड आपके लिए हम रेडी रखते हैं भाई। और काफी गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर, और इतनी गर्मी के अंदर आपके लिए फूड लेकर आना भाई, आप ही बताओ, मेहनत का काम है। तो भाई वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना जितने भी फ्रेंड्स हैं, और हाँ सपोर्ट जरूर करना आंटी अंकल को, पश्चिम विहार के नियर जितने भी लोग रहते हैं ना, सबको टैग जरूर कर देना कि भाई आंटी ज्वेलरी में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, टेस्ट कीजिए, आपको मजा आ जाएगा, ऐसी बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।